एसडीएफ न्यूज स्वागत करता है आपका 10 बड़ी खबरों के साथ, मैं हूं आजाद। सूबे की बाढ़ प्रभावित जनता को अब राहत की जरूरत है। लगभग 10 लाख की आबादी पर बाढ़ का असर है। खाने पीने के सामानों की आपूर्ति का जिम्मा एयर ड्रॉपिंग के साथ शुरू हो गई है, लेकिन इसके साथ ही अब बाढ़ से घिरे इलाकों में मेडिकल सुविधा की भी जरूरत बढ़ गई है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा तेज कर दिया है, लेकिन अब तक सत्ताधारी नेता आम जनता की सुधि लेने को नहीं निकल सके हैं। यह कहना है जाट के प्रमुख पप्पू यादव का। इस बिगड़े हालात में कई क्षेत्रों तक पहुंच पाना मुश्किल था, लेकिन आखिर वे गए कि नहीं। इधर नीतीश सरकार के मंत्री संजय झा ने कहा है कि बाढ़ की विनाशकारी प्रवृत्ति का समय पर राहत तथा रेस्क्यू से सहयोग कर तेजी लाई गई है। सभी मुद्दों पर केवल राजनीति करना विपक्ष का काम है। पटना जिला प्रशासन ने अब उन लोगों के ऊपर सख्ती बरती है जिन लोगों ने बिना वजह इस अवधि में भी शहर में घूमने निकल रहे हैं। खास बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रति बेपरवाह लोगों से फाइन वसूली की जा रही है। राखी खरीदारी पर बाजार में गहमागहमी की स्थिति नहीं देखी जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन प्रभावी है। इस बीच चीन निर्मित सामानों के साथ राखी का भी बहिष्कार जारी है। विपक्षी एकता के मंच पर अति महात्मा कांक्षा का बोलबाला आज भी है, इसलिए कई मुद्दे आज भी अनसुलझे हैं। इसी क्रम में रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा है कि महागठबंधन में अभी सीएम उम्मीदवार तय नहीं हो सका है। भाकपा माले से जुड़े नेताओं ने कहा है कि बढ़ती महंगाई, अपराध, बाढ़ राहत और कोरोना जैसी अनेक समस्याओं को लेकर जनता के बीच सरकार की छवि खराब होने लगी है। मीडिया से बात करते हुए माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता एनडीए को सबक सिखाएगी। यूपी में लंबित श्री राम मंदिर शिलान्यास स्थान पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या नगरी जाकर पूजा अर्चना के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मातहतों से कोरोना इलाज व्यवस्था के साथ बाढ़ राहत की भी अपडेट जानकारी ली है। उन्होंने राहत कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। बाढ़ के चलते सब्जियों के दामों में इजाफा ने आम उपभोक्ताओं की परेशानियों को बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक अधिकतर क्षेत्रों में बारिश होने के कारण उत्पन्न जल जमाव से सब्जियों को नुकसान पहुंचा है, जिससे लगभग सभी प्रकार की सब्जियां 30 से 40 रुपए बेची जा रही हैं। तो अब तक 10 बड़ी खबरों को आपने देखा। आप बने रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए एसडीएफ न्यूज़ के साथ, और साथ ही इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।